कोविड के इस समय में इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी चौराहे पर थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी और अन्य लोगों द्वारा निगम कर्मियों, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मियों को गुलाब की कली देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाकर वाहन चालक गदगद हो गए। इंदौर शहर में कोरोना के संकट की घड़ी में नगर निगम कर्मियों सहित एम्बुलेंस के चालक और स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य कोरोना वॉरियर्स लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां इनकी मेहनत से कोरोना के मरीजों में भी कमी आती दिख रही है। इसी तारतम्य में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में इंदौर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी चौराहे पर आज़ाद नगर थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी और क्षेत्र की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोगों द्वारा कोरोना वायरस वाहन चालकों को रोक कर इन्हें गुलाब की कली देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी सहित आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य पंकज चौधरी, दिनेश कुमावत, किशोर चांगले, प्रमोद रघुवंशी सहित लोग मौजूद रहे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बताइए सर, आज गुलाब की गली देकर नगर निगम के कर्मचारियों को, गैस की टंकी वालों को वितरित किए गए। लॉकडाउन में ये देख रहे हैं, जब से भी लॉकडाउन चालू हुआ है पिछले वर्ष से लेकर अभी तक, ये अनुभव किया है कि नगर निगम हो, इमरजेंसी सर्विसेज हो, एम्बुलेंस है, गैस सर्विस वाले हैं, ये लगातार काम करते हैं। और नगर निगम तो विशेष तौर से चाहे कोविड का कचरा हो या गंदगी हो, सब बेचारे उठाते हैं और संक्रमण का डर इनको बहुत रहता है, उसके बाद भी बिना छुट्टी अवकाश के, बिना बहाने के काम करते हैं, जिस कारण से हम आज उस स्थिति में हैं कि हम अपना कोरोना से जंग जीतने में सफल हो रहे हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ दिन में अगर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर मौका नहीं आएगा, तो हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है और हम लोगों ने इकट्ठा होकर एक निर्णय लिया कि आज इनको सम्मानित करेंगे। उन सभी को हमने जो कचरा गाड़ी लेकर निकलते हैं, जो टैंकर वाले हैं, कुछ एम्बुलेंस वाले हैं, इन सभी को हमने गुलाब का फूल लेकर उनसे बोला, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया और आप धन्यवाद के पात्र हैं और आपने बहुत सहयोग किया, जिससे हम इंदौर में कोरोना से बहुत हद तक इसको जीतने में सफलता मिली है। वो भी गदगद हो गए, खुश हुए वो कि चलो सर, एक तो बोला ट्रक वाला, सर मेरी फ़ोटो ले दो, मैं बताऊँ घर में कि हमारा सम्मान हुआ। तो ये पहल थी कि जिसमें उनको हम मोटिवेट करें और अच्छा भी, हमको भी अच्छा लगा कि हमने वाकई जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हमने सम्मानित किया। बताइए पंकज जी, आज सुबह गुलाब की गली देकर सम्मानित किया गया आपके द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों को, या फिर कचरा गाड़ी वाले हो या कोई भी हो, उनको सम्मानित किया गया के संदर्भ में? समिति मूसाखेड़ी के द्वारा, थाना आजाद नगर के द्वारा, थाना प्रभारी अंदर त्रिपाठी जी द्वारा, जो नगर निगम में कचरा गाड़ियाँ के ड्राइवर रहते हैं, स्लीपर रहते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर करने वाले कर्मचारी रहते हैं, और जो एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर रहते हैं, जो सैनिटाइजर करने वाले कर्मचारी रहते हैं, जो अपनी जान में जोखिम डालकर दिन रात अपनी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी तरफ कोई नहीं ध्यान देता, जो कि लगातार कोरोना जब से चालू हुआ जब से वो अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आज एक मन में ख्याल आया आपदा समिति को कि क्यों ना इनका गुलाब का फूल देकर सम्मान किया जाए। तो आज सुबह से ही थाना प्रभारी द्वारा, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य द्वारा, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य द्वारा आज इनको गुलाब के फूल से कड़ी देकर, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और एक चेहरा खिल उठा था। कुछ लोगों ने तो ऐसा बोला कि हम फोटो हमारे मोबाइल में खींचेंगे, हम भी लोगों को बताएंगे कि हमारा सम्मान हुआ, तो जिससे उनको खुशी हुई और उनके काम करने की शैली और बढ़ेगी उनकी। आपका नाम? पंकज चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।